संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मूक बधिर उत्थान एवं सांकेतिक भाषा का प्रचलन बढ़ाने के उद्देश्य से 23 सितंबर से 29 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बधिर विद्यालय वैशाली नगर में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपने खेल का प्रदर्शन किया। खेलों के साथ साथ विभिन्न वर्गों में बधिर विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विजेता खिलाड़ियों को इस मौके पर पुरस्कृत भी किया गया, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और वे अपना उत्कृष्ट कार्य करते रहें। इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ के तहत अजमेर जिला बधिर खेल समिति की ओर से आज यहां एक शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें दो स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। एक तो बधिर विद्यालय पुटड़ा और बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर अजमेर के बच्चों ने भाग लिया है। करीब 40 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है, जिसमें मेन के वर्ग में राजकुमार प्रथम रहा है और राहुल सेकंड रहा है, और जूनियर बॉयज़ में अजय सिंह फर्स्ट और गौतम सिंह सेकंड रहा है। इसी प्रकार बालिका वर्ग में फर्स्ट राधा रावत रही है और सेकंड सानिया, और जूनियर गर्ल्स में फर्स्ट पूजा सियाट और थर्ड ऋतु कासोटिया रही, सेकंड ऋतु कासोटिया रही। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत साहब, नैनू काकाणी जी जो यूको बैंक में मैनेजर हैं, आज हमारा ये प्रोग्राम था। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मूक एवं बधिर विद्यालय में जो शतरंज का आयोजन इन्होंने रखा था, उसमें मुझे आने का मौका मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि इन बच्चों में जो जज्बा है, जो जोश है, वो एक अलग हटकर है। ये एक अलग प्रकार की दुनिया है। यहाँ पर ना तो बोलते हैं ना सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इनमें जो भी अंदर खूबियाँ हैं, उस खूबियों को जताना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। जिस प्रकार से खेलकूद प्रतियोगिताएँ, हर प्रकार का खेल ये खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, ये बास्केटबॉल भी खेलते हैं, ये फुटबॉल भी खेलते हैं, ये हॉकी भी खेलते हैं, और आज शतरंज का टूर्नामेंट हुआ और उसमें जिस तरह से बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया, जो जीते उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं और जो हारे उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आने वाले समय में वो मेहनत करें जिससे कि वो विनर बने। धन्यवाद।